पहले तो आपका सल्यूट है यार, आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, जहाँ पे लोग सोचने से भी डरते हैं यार, है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और हम निकल गए जी रोपड़ से, गुरुद्वारा भट्टा साहिब से रोपड़ से निकल गए। अब जाना हमें अम्बाला की तरफ। तो आज का सफर हमारा रहेगा लगभग 60 किलोमीटर के बीच। जहाँ तक 55-60 किलोमीटर ये शाम पड़ेगी ना, वहीं पर आज कैंपिंग करके सोएंगे भाई साहब। आज तो कैंप लगाना है, कई दिन हो गया कैंपिंग का मजे नहीं लिए। तो ठीक है, चलते अब अम्बाला की तरफ, रास्ते के व्यू वगैरह दिखाते चलेंगे और दिखाएंगे आगे कहाँ पर कैंपिंग करते हैं। तो अभी ना ये कुराली का टोल टैक्स आ गया है मेन हाईवे पर, ये अभी क्रॉस किया इधर से। तो काफी पुराना टोल टैक्स और बिल्डिंग वगैरह भी काफी पुरानी, अच्छी व्यवस्था है, मतलब यहाँ हर फैसिलिटी होगी जो टोल टैक्स पर होती होगी। ये रोड रोलर भी खड़ा है। तो अभी ना रोपड़ से 12-13 किलोमीटर आ गए हैं और गर्मी बहुत है भाई, तो इसलिए कि पेड़ थे या साथ में पेड़ है ना जो रोड के साथ हैं, यहाँ छांव वगैरह थी। मैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। रेस्ट लेके जाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ रुके रुके ना थोड़ी देर मैंने सोचा इधर खेत में घूम के आते हैं। तो भाई साहब ये धान वगैरह देख के ना घर वाली फीलिंग आ गई है, क्योंकि हमारे घर खेतों में ना तो वहाँ फसल वगैरह सभी होती है। तो आजकल के टाइम में ऐसी फसल होती है भाई, देखो आप भी। और ये है जी यहाँ के पंजाब के खुले खुले खेत, और हरियाणा पंजाब सेम ऐसे खेत मिलेंगे, खुला मतलब प्लेन एरिया मिलेगा और पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, हर खेत में एक दो पेड़ पौधा मिल ही जाएगा। और वो जो बड़ी बड़ी है ना, वो पशुओं का चारा ज्वार बोलते हैं उसको, और उसके परली तरफ है शुगर केन गन्ने, तो वो भी लगे हुए हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो अभी चलते हैं, रेस्ट काफ़ी हो गया, आगे का सफ़र निकालना है। 60-70 किलोमीटर आज निकाल लेंगे जितना भी निकला, और बाकी कल को और परसों तक घर पहुंच जाएंगे। और एक बात हो रहा भाई, घर जाने के बाद भी ना आपको डेली व्लॉग मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी खूबसूरत देखने की जगह है नज़दीक। और एक तो इतनी बड़ी जगह है, अंग्रेजों के टाइम की पंचक्ति है जो पानी से चलती है, अभी भी नहर के ऊपर है, अभी भी चलती है, लोग यूज करते हैं उससे, गेहूं वगैरह पिसवाते हैं आटा बना के और लेके जाते हैं, और कहते हैं कि वो बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि वो आराम से चलती है, ठंडा आटा होता है वो, तो इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है, लोग काफी ज्यादा आते हैं उधर। तो वो भी दिखाएंगे। और हमारे पास है जी कुरुक्षेत्रा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, काफी ऐतिहासिक जगह है, वहां भी बहुत कुछ देखने का भैया, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। जब तक हमारी नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी होगी ना, तब तक आपको वो दिखाएंगे। और फिर नेक्स्ट ट्रिप तो आपको पता ही है कि शुरू होने वाली है जल्दी। तो ठीक है, अभी चलते हैं और मिलते हैं आगे रास्ते पर कहीं। तो अभी ना कुराली 3 किलोमीटर रह गया और लेफ्ट साइड रास्ता जाता उसका, और हमने जाना सीधा खरड़ और जो चंडीगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। खरड़ यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर और चंडीगढ़ रह गया 29 किलोमीटर। तो यहाँ बरसात के ज्यादा आने के कारण ना धान की फसल खराब हो गई थी, तो दोबारा लगा रहे हैं, वो देखिए सामने बंदे लगा रहे हैं दोबारा धान की फसल। और काफी ज्यादा पानी रुका हुआ क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है ना लगातार। और ये सारा शुगर कैन है मतलब गन्ने, ये भी इसकी हालात भी खराब हो गई ज्यादा पानी के कारण। ज्यादा पानी रुका रहने के कारण ना गर्मी पड़ती है तो जल्दी खराब हो जाती है फसल कोई भी हो। मेरे लिए तो अपडाउन अभी भी खत्म नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा ब्रिज आ रहे हैं इधर, कभी रेलवे लाइन का, कभी बरसाती नाले का, कभी नदी का, कभी नहर का, वैसे ही हाइट चढ़े जाना पड़ रहा है मेरे को। ये देखिए ट्रैक्टर का भी कितना जोर लग रहा है, काफी बड़ी बड़ी हाइट हो जाती है ना इनकी, ये ब्रिज वगैरह की। और साइकिल को तो आपको पता ही भी थोड़ी सी हाइट होगी ना, वो भी फील होगी। आगे फिर ब्रिज है और ब्रिज ही ब्रिज क्रॉस करते जा रहे हैं। ठीक है, पहुंचने वाले हैं खरड़ के पास, थोड़ा ही रह गया खरड़। तो अभी हम ना रास्ते पर जा रहे थे तो भैया आए, मतलब आगे खड़े थे, उन्होंने हाथ दिया कि रुक जाओ भैया। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात हो गया, वो भाई कहीं पीछे से आ रहे थे ना, तो मेरे से क्रॉस करके उन्होंने पीछे नंबर प्लेट देखी हरियाणा से लद्दाख,
भी उन्होंने सोचा भी लद्दाख करके आ रहा है तो आगे जाकर भैया ने रोका, यहाँ जूस की दुकान थी, यहाँ जूस वगैरह पिलाया, तो भैया से आपको मिलाते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं और मिलाते हैं आपको और करते हैं बातें। नमस्कार भाई जी, भैया नाम की वजह बलजिंदर सिंह, तो बलजिंदर सिंह जी थे, इन्होंने पीछे से प्लेट वगैरह देखी और हमें आगे आकर रोक लिया और जूस वगैरह पिलाया, तो भाई का काफी धन्यवाद। पहले तो आपका सल्यूट है यार, आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, यहाँ पे लोग सोचने से भी डरते हैं यार, है ना। सही बात है सर, ये तो बाकी जब हौसला होना तो सब कुछ हो जाता है, मेन बात तो हौसले की होती है। पता क्या ना यार, आप जैसे आप घर के आए, आप लोग इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, हम लोग का काम आप लोगों को अप्रिशिएट करता है। मैंने तो जूस पिलाया, चिकन पिला लिया, बहाना था एक मिलने का, मिलने का बहाना था, क्योंकि ना बढ़िया लगता है यार, कुछ अलग करके आए आप, क्योंकि जो लोग अभी घर बैठे सोच रहे हैं आपको करके आ जाए, मेरे जैसे भी सोच ही रहे हैं कि कौन सा साइकिल लें, आप एक नॉर्मल साइकिल पे करके आगे पूरा ट्राई है, बहुत बढ़िया यार, आगे और मेहनत करो भाई, और भी ऑल इंडिया करना, ऑल इंडिया करना ही है, बैठना नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये अपने भाई जी थे, तो ठीक है अभी बातचीत करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस बताते हैं भाई की, भाई भी सोच रहे हैं कि ट्रैवल करने की, तो थोड़ी बहुत जितना कुछ नॉलेज है उतनी नॉलेज दे के भाई को जाते हैं, अभी भाई को दिक्कत वगैरह ना आए, हमें जो प्रॉब्लम आई है, तो ठीक है मिलते आगे रास्ते में। तो कांवड़ यात्रा शुरू है ना, इसलिए आपको जगह जगह पंडाल मिल जाएंगे जो कांवड़ियों के लिए रहने की और खाने पीने की व्यवस्था होगी, तो ये दो तीन तो लगातार ही है पास में ही, और बाकी पीछे भी काफी थे और आगे भी शायद काफी होंगे। तो अभी दोपहर का एक बज गया भाई और खरड़ रह गया 5-6 किलोमीटर और अपना हो गया चाय पीने का टाइम, बहुत आलस आ रहा है, मतलब सुस्ती आ रही है, अभी चाय पीते हैं और फिर चलते आगे खरड़ की तरफ। ये छोटी सी टी स्टॉल है भैया की, यहाँ पर पूछते गूगल पे चलता है या नहीं, चलता हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर बैग खोल के और कैश देना पड़ेगा, वो साइकिल हाईवे पर ही खड़ी कर दी है। तो पीते हैं अभी चाय, भैया चाय है, है नहीं, वाह जी वाह, आगे तो भैया बोल रहे चाय नहीं मिलेगी, मतलब सामान नहीं होगा अभी, तो ठीक है आगे चलते हैं, आगे जाकर पीते हैं कहीं। तो अभी ना अपना पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और गर्मी है बहुत ज्यादा, पानी पी लिया था, रास्ते में एक मजार आई मतलब 786 और उसके साथ वाटर कूलर है, यहाँ से पानी भरते हैं और फिर चलते हैं आगे कोई चाय की दुकान देकर चाय पीते हैं। तो खरड़ लगभग शुरू ही हो गया, मतलब जो बाहर वाला एरिया होता है ना कॉलेज वगैरह, ये बाहर हॉस्पिटल ऐसा कुछ है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो ऐसा शुरू हो गया बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में खरड़ और उसके बाद आगे अम्बाला की तरफ निकल जाएंगे, जहां पर लेट होंगे वहीं पर आज कैंपिंग कर लेंगे। और आपको जो हॉस्पिटल दिखा रहे ना बाहर हॉस्पिटल, इसके साथ ना यहाँ पर पशु मंडी लगती है, मतलब यहाँ अपने इस एरिया के लोग अपने पशु ले आते हैं और यहाँ लेने वाले भी आते हैं और बेचने वाले भी आते हैं, तो यहाँ ऐसा व्यापार चलता है और बढ़िया बड़ी गाड़ियाँ हैं इनमें लोड करके बाहर ले जाते हैं, काफी ज्यादा पशु दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। तो ये भैया की दुकान थी, साथ में छोटी सी साइकिल अपना मेन हाईवे पर खड़ा और अपनी चाय रेडी है, साथ में ये टाइगर का बिस्किट है, थोड़ी भूख वगैरह लगी है, कुछ बाद में आगे जाके कुछ खाएंगे, अभी नॉर्मली यही करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने सफर पर। खरड़ रह गया यहाँ से लगभग कितना रह गया, 1.5 किलोमीटर, तो खरड़ रह गया 1.5 किलोमीटर, मिलते हैं आगे जाकर। तो अभी खरड़ में एंटर हो गए हैं और ये खरड़ की चकाचौंध, जैसे चंडीगढ़ में मार्केट है ना ऐसी मार्केट शुरू हो गई है, और इधर बड़े बड़ी ये बिल्डिंग वगैरह, तो आगे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद ना आगे कोई छांव देखते हैं, वहां पर रेस्ट करते हैं, कोई पेड़ पौधे वगैरह होंगे साइड में, वहां पर रेस्ट करेंगे क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। तो आगे साइन बोर्ड आ गया, चंडीगढ़ 16 किलोमीटर, अम्बाला 54 किलोमीटर, दिल्ली 250 और लुधियाना 80 किलोमीटर है, तो हमें जाना अम्बाला की तरफ सीधा ही, और अम्बाला से हमारा टर्न मुड़ेगा जो नरवाना की तरफ हाईवे जाता ना उधर। तो ये नीचे सारी ना खरड़ सिटी है जो ये आपको दिखाई, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है भैया वो देखो, क्योंकि आगे हवाई अड्डा है 25 किलोमीटर, वो ऊपर दिख रहा है आपको बादलों के पास, आराम आराम से जा रहा है, और ये नीचे खरड़ सिटी है,
और हमने ऊपर से ओवर ब्रिज लेके ना ये सीधा निकल गया चंडीगढ़ अम्बाला की तरफ वाले रोड पर। भाई साहब बहुत लंबा ब्रिज है ये खरड़ का जो ब्रिज है ना, क्या था काफी देर से इसी में चले जा रहा हूँ, कोई इस पे उतरने का रास्ता ही नहीं आ रहा भी। अब ये नहीं पता भी सही रास्ते जा रहा हूँ या गलत रास्ते पड़ गया हूँ, कहीं आगे से कट ना हुआ अम्बाला की तरफ का तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब, बाकी देखते हैं। तो वही बात हो गया भाई, गलत रास्ते चढ़ गया हूँ, अब जितना आया उतना वापस जाना पड़ेगा और फिर नीचे से यहीं पर आना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता राइट करता है। तो भाई बात तो पज्जल हो गए हैं, चलो देखते हैं अब किधर से क्या बनता है, अभी मिलेंगे अम्बाला रोड पर, दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ से ना चंडीगढ़ 12 किलोमीटर रह गया, मैं सीधा ही आ गया था, यहाँ से कट तो है, अभी किसी से पूछते हैं वापस जाते हैं फिर अम्बाला की तरफ मुड़ते हैं। बहुत ज्यादा सफर एक्स्ट्रा पड़ गया, कई किलोमीटर का आगे जाकर वापस आना पड़ रहा है, अभी तक टर्न नहीं मुड़ा अम्बाला की तरफ। इस रास्ते में कावड़िया बहुत ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि मेन रास्ता हो गया ना अम्बाला की तरफ से इधर का। मैं काफी टाइम से ना सारे रास्ते देखता आ रहा था भी कोई गोंद की तीरे वाला मिल जाए, गोंद की तीरा सेहत के लिए काफी अच्छा होता है और ठंडक भी देता है, गर्मी काफी हो गई है। तो अभी भैया एक मिले हैं, उनसे बनवाते हैं और फिर पीते हैं। भैया गोंद की तीरा है कितने का है? एक बनाना, बढ़िया सर। तो अभी बनवाते हैं पीते हैं फिर चलते हैं अपने रास्ते पर। और ये कावड़िए देखिए कितने ज्यादा आ रहे हैं और वही मजे लेते जा रहे हैं सारे। तो अपना गोंद की तीरा रेडी है, टेस्ट करते हैं क्या? हाँ कोई नहीं, मस्त है भैया। और मेन चीज है ये हेल्दी होता है, इसलिए काफी देर से ढूंढ रहा था। तो अभी पीते हैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, गर्मी काफी ज्यादा हो गई है और हमें कौन सा ये आज ही पहुंचना है, तो आराम से चले जाएंगे। तो मेन रास्ते से ना लेफ्ट साइड की तरफ ना इधर सारे सेक्टर ही सेक्टर है, 96, 97, 98, 99, 100, 100 के ऐसे कुछ सारे सेक्टर इधर सेक्टरी सेक्टर मिलेंगे जो चंडीगढ़ मोहाली के हैं। शाम के 5:30 हो गया, बनूर रह गए जी यहाँ से 6 किलोमीटर, तो बनूर तो क्रॉस करना ही है भी ताकि कल मैं अपने अम्बाला क्रॉस करके आगे जहाँ पर जाना वहाँ तक पहुँचता हूँ। और वहाँ पर रास्ते में फिल्म सिटी है भाई, वो भी आपको दिखाते चलेंगे। तो अभी ये ढाबा था, यहाँ से चाय वगैरह पिए, अब चलते हैं बनूर की तरफ और शाम अंधेरे तक चलेंगे, उसके बाद आगे ढाबा देखकर कैंपिंग करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए जी बनूड़, और यहाँ से ये साइन बोर्ड भी लगा है, और वैसे ही मेरे को पता है कई साल पहले आया था, तब ये ब्रिज वगैरह नहीं था, तब तो बस यहाँ पर बत्तियां वगैरह थी, मतलब चौराहा वगैरह था, गाड़ियां रुक रुक के चलती थी। अब आपको बताता हूँ मैं, लेफ्ट साइड ये जाता है जीरकपुर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ निकल जाता है, सामने जाता है ये शंभू अम्बाला की तरफ, और राइट में जाता राजपुरा पटियाला की तरफ, और ये आगे थोड़ी जाके ना पटियाला की तरफ तो बनूर सिटी सारी है। तो ठीक है अभी ब्रिज क्रॉस करते हैं और चलते हैं अपना सीधा रास्ते अम्बाला की तरफ, शंभू बैरियर आता है जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, जहां पर किसान आंदोलन का धरना सबसे पहले लगा था वो है। तो इस एरिया में ना बारिश काफी ज्यादा हुई है, ये धान की फसल वगैरह डूबी पड़ी है और वो ट्यूबवेल वगैरह भी डूबा पड़ा है, मतलब काफी नुकसान हो जाता है जब बारिश ज्यादा पड़ जाती है ना, तो फसल दोबारा लगानी पड़ती है। और साथ में कंपनियां वगैरह हैं काफी बड़ी बड़ी, पीछे डाबर वगैरह की थी और ये पता नहीं कौन सी आगे वाली। तो ठीक है अभी चलते हैं आगे, और अभी शायद 6:30 या 7:45 का टाइम हो गया होगा, जहां से ज्यादा अंधेरा होता दिखा तो वहीं स्टे करेंगे। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए जीटी रोड पर, पता भी नहीं लगा भी काफी 15 किलोमीटर निकल गया, क्योंकि रास्ता साफ आ गया था ना तो इसलिए जल्दी से सफर निकल गया। और जब पहले कभी आया था तब रास्ते में इतनी प्रोग्रेस वगैरह नहीं थी, अब काफी फैक्ट्रियां वगैरह दुकानें वगैरह होने का ना पता ही नहीं लगा चलते चलते कब आ गया हमारा जीटी ग्रांड ट्रंक रोड। तो अभी यहां से हमने ना लेफ्ट साइड जाना है और 5-7 किलोमीटर जाके फिर वहां से राइट नरवाना की तरफ मुड़ जाना है, और ये राइट में जाता राजपुरा लुधियाना जलंधर
अमृतसर की तरफ और लेफ्ट में जाता दिल्ली की तरफ, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली की तरफ। तो ठीक है, अभी दुकानें वगैरह काफी है, इधर चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे जाके अपनी स्टे वगैरह कोई जगह ढूंढते हैं और वहाँ कैंपिंग वगैरह करेंगे। काफी दिन हो गए कैंपिंग किए, तो कैंपिंग करेंगे, पहले चाय वगैरह पी के मिलते हैं। तो अपनी चाय वगैरह हो गई है, चाय इसलिए पीती क्योंकि भूख वगैरह लग रही थी। मैंने सोचा कि जहाँ पर स्टे करेंगे ना ढाबे पर, वहीं पर खाना वगैरह खा के और सो जाएंगे, तो इसलिए चाय वगैरह पी ली। अब लेफ्ट चलना है और ये अपना मेन जीटी रोड आ गया, ग्रैंड ट्रंक रोड। यहाँ से लेफ्ट रहेगा, फिर हाईवे पर मेन पर चढ़ना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ कोई ढाबा वगैरह आता है। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा, अम्बाला यहाँ से 12 किलोमीटर है और करनाल 88, पानीपत 116, दिल्ली 212। बट हमें अम्बाला प्रॉपर नहीं जाना, हमें 2-3 किलोमीटर आगे जाकर ना बाईपास है अम्बाला का, वहाँ से राइट ले लेना है। तो अभी हम ना इस टूट, ये जो बैरियर वगैरह है, यहाँ से हरियाणा में एंटर हो गए हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में आए हैं वापस अपने घर की तरफ। सफर काफी अच्छा रहा, काफी एक्सपीरियंस मिले, काफी कुछ सीखने को मिला और काफी लोग मिले, दोस्त मिले, और मतलब बहुत यार अच्छा ट्रिप रहा। मतलब हार्ड वर्क बहुत रहा, मेहनत काफी ज्यादा, स्ट्रगल काफी ज्यादा करना पड़ा, और बाकी बेनिफिट भी मिला भाई, चैनल वगैरह ग्रो किया और न्यूज वगैरह पर भी आ गए, सभी बेनिफिट है यार। बाकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा था भाई साहब, क्योंकि विदाउट गियर साइकिल से ना आपको थोड़ी सी भी हाइट आ जाए ना वो उतर कर चलना पड़ता है। तो ये आ गई जी टोल प्लाजा, जो पानीपत जलंधर NH1 पर है। तो ये साइन बोर्ड आ गया, चंडीगढ़ लेफ्ट, कैथल लेफ्ट, अम्बाला सीधा, दिल्ली सीधा। ये कैथल लेफ्ट इसलिए कि आगे ना जो राइट साइड में रेलवे क्रॉसिंग है, ऊपर ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए लेफ्ट से बता रहा है कि यहाँ से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा और फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अभी ना यहाँ पर कोई ढाबा वगैरह नहीं है, तो हमें ना थोड़ी अम्बाला की तरफ ही जाना पड़ेगा, सुबह वापस आ जाएंगे, वहाँ कोई ढाबा वगैरह देखते हैं, वहाँ खाना खा के वहाँ स्टे करेंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं है यार। फाइनली जगह ढूंढते ढूंढते रात के 8 बज गए हैं, काफी ज्यादा आगे अम्बाला की तरफ चला गया, जबकि मैंने वापस बाईपास से कैथल की तरफ जाना है, पर मैं आगे चला गया, ढाबा मिल जाए ढाबा मिल जाए, बाकी मिला नहीं। आगे मेन हाईवे मतलब तो नीचे जो सिटी की तरफ जाता रास्ता सर्विस रोड वो आ गया था और बाकी मेन हाईवे था, तो फिर वहां से मैं लेफ्ट यू टर्न लेके वापस आ गया था। तो अभी आते थे मैं सोचा पंप पर पता करते हैं, इसके साथ ऊपर लिखा और लग रहा था ढाबा है, पर जब ध्यान दिया तो यहाँ एक बाइक का छोटा सा ढाबा था साथ में, तो बाइक के पास खाना खाते बाई से पूछा कि वहां कैंपिंग की जगह मिल जाएगी, तो बाई बोला जैसे मर्जी लगाओ कोई चक्कर नहीं, हरी हरी घास है, आराम से कैंपिंग करेंगे और मजे से सोएंगे। 2 दिन हो गया, अच्छी सी नींद नहीं आई मेरे को लगभग, क्योंकि 2 दिन हो गए थे। रात को वीडियो जब अपलोड करता था ना तो वीडियो हाफ जाकर उसके बाद फिर बैक मार जाती थी, मतलब डेली ऐसे होता था, 2 बज जाते थे वीडियो अपलोड करते करते, एडिट और उसको रेंडरिंग और अपलोड करते करते 2 बज जाते थे, फिर 4 बजे फिर उठ जाते थे, लगभग नींद पूरी नहीं। आज आराम से सोएंगे और कल को हाफ रास्ता हो जाएगा, परसों को हम घर पहुंच जाएंगे और हमारी लेह लद्दाख की यात्रा संपूर्ण हो जाएगी, और जो कि काफी मजेदार रही है, काफी दोस्त सब कुछ मिला यार इस यात्रा में मेरे को। और नेक्स्ट ट्रिप के बारे में आपको अगर पता है ठीक है, तो नहीं तो फिर वो घर जाके बताएंगे। अभी 5-4 दिन घर रहेंगे, लोकल व्लॉग डालेंगे, वहां के काफी अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की वो दिखाएंगे। तो ठीक है, अभी खाना खाते हैं। तो अपना खाना आ गया, दाल फ्राई, रोटी है और साथ में कुछ प्याज है, तो अभी खाते हैं, उसके बाद कैंप लगाना है और फिर सो जाएंगे, मिलते हैं खाना खाने के बाद।
तो फाइनली अपना टेंट लग गया यहाँ है। ये पेट्रोल पंप है, उसके साथ ना ये पार्क थी छोटी सी, इसमें लगा लिया और सामान वगैरह अंदर रख दिया, साइकिल उधर लगा दिया, साथ में उसके मतलब ताला लगा देंगे साथ में पेड़ के साथ, तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा। तो ठीक है, आज काफी थक गए हैं और टाइम हो गया रात के 10 बजे का, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।